नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना में बनने वाले एक और नए फोर लेन को लेकर। बिहार की राजधानी पटना में यातायात समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों के साथ साथ ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ताकि राजधानी को में आने जाने वाले लोगों को जाम की समस्याओं से निजात मिल सके। इसी कड़ी में राजधानी पटना में सरकारी जमीन को सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ शहरों के सौंदर्यीकरण को लेकर भी पार्क बनाए जा रहे हैं। इसी को पार्क बनाने से प्रदूषण की कमी होगी, साथ ही साथ दूसरी तरफ शहर की सुंदरता भी बनी रहेगी। हमने देखा है कि पिछले दिनों राजधानी पटना में रेलवे लाइन को हटाकर वहां पे फोर लेन यानी कि अटल पथ का निर्माण किया गया है, जिससे कि प्रदेश के दूसरे जिलों से राजधानी में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में एक और रेलवे लाइन को हटाकर वहां पे फोर लेन सड़क बनाने की योजना बनाई गई है। इस फोर लेन का निर्माण भी अटल पथ की तरह किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पटना साहिब रेलवे स्टेशन से जेपी गंगा पथ तक फोर लेन सड़क बनाई जाएगी। बता दें कि यह सड़क फोर लेन 1.55 किलोमीटर लंबी होगी। यह पटना सिटी अशोक राजपथ के ऊपर से गुजरेगी। वहीं घनी आबादी के बीच में एक्सप्रेसवे के दोनों ओर मोहल्लों के नागरिकों को आवागमन के लिए सर्विस लेन बनाई जाएगी। इस फोर लेन निर्माण को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि बिहार राज्य पथ विकास निगम करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण करेगी। बताया गया है कि इसकी निविदा की प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाएगी। यह भी बताया गया है कि गंगा पथ से पटना घाट तक 6 लेन रोड बनेगी, साथ ही साथ पटना सिटी से शहर की ओर 4 लेन सर्विस रोड होगी। अशोक राजपथ क्रॉसिंग के पास ऊपर से 2 लेन फ्लाईओवर दीघा आर ब्लॉक रेलवे लाइन हटाकर अटल पथ का निर्माण किया गया है। तो अब जो है पटना साहिब पटना घाट रेल लाइन हटाकर आधुनिक 4 लेन का DPR बनकर तैयार हो गया है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन आना जाना आसान हो जाएगा, साथ ही साथ जेपी गंगा पथ को इसको मिला दिया जाएगा। साथ ही साथ इसे बीदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा पुल से इस मार्ग को जोड़ा जाएगा और यह 4 लेन गंगा पथ दीदारगंज से समाप्त हो जाएगा। वहां से फतुहा की ओर जाने के लिए पुराना NH30 और ROB के दीदारगंज बख्तियारपुर 4 लेन का संपर्क हो जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि इस 4 लेन को बन जाने के बाद से एक तो दीदारगंज और बख्तियारपुर के जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएंगे। उस इलाके में जो आने वाले लोग हैं या फिर कह लें कि वो जो घनी आबादी है उस रास्ते से जो है पटना साहिब और इधर दीदारगंज और बख्तियारपुर का जो इलाका होगा वो संपर्क आसानी से जुड़ पाएगा। इस तरह से देखें तो राजधानी पटना में यातायात के दबाव को देखते हुए इस तरह के पुल, ओवरब्रिज और 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में आबादी के हिसाब से यातायात में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बता दें कि राजधानी पटना में रिंग रोड का भी निर्माण कार्य जारी है, ताकि आप शहर से बाहर निकलना चाहते हो या फिर शहर में आना चाहते हो तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पटना में बने अटल पथ इसका एक नया उदाहरण है, जिससे आप शहर से सीधा गंगा पार कर छपरा पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से कह लें कि राजधानी पटना पे आबादी के दबाव को लेकर और दूसरे जिलों से राजधानी पटना में आने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के 4 लेन ओवर ब्रिज और पुल और रिंग रोड बनाने की योजनाओं पर जो है बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में यह एक नया DPR तैयार हुआ है, जिसमें कि एक नए 4 लेन के निर्माण की बात कही गई है, जो कि पटना साहिब के पास में जो रेलवे स्टेशन के पास जो ट्रैक है उस पे जो है गंगा पुल के पास तक जो 4 लेन है उसको लेकर काम किया जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़े हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।